आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तगार बनाने की रेसिपी, जो मीठे की जगह पर इस्तेमाल होती है और इससे मिठाई बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है। चलिए फिर शुरू करते हैं इसे बनाना। तगार बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप चीनी और उसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। और अब गैस ऑन कर देते हैं। यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है शुरुआत में और इसे लगातार स्टर करते हुए पकाना है। तगार बनाने में कम से कम 10 मिनट का वक्त लगेगा। इसको लगातार स्टर करते हुए पकाना है। शक्कर घुलने लगी है तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच देसी घी। इससे जो हमारा तगार है ना, वो खिला खिला बनेगा। दोस्तों, जो हलवाई होते हैं ना, वो हर मिठाई में चीनी की जगह इसी का इस्तेमाल करते हैं। इससे जो मिठाई बनती है ना, वो मुँह में एकदम घुल सी जाती है। और इसे देखिए, इस तरह से लगातार स्टर करते हुए हमें पकाना है। तगार बनाने में हमें पूरा 10 मिनट लगा है और आप ध्यान से देखिए कि जब इसका रंग बदलने लगे ना, सफ़ेद होने लगे, तो बस उसी समय गैस ऑफ कर दीजिए और उसके बाद लगातार इसे कढ़ाई में ही चलाते रहिए। यहाँ हमें समय का बहुत ध्यान रखना है। अगर हमने गैस बंद करने में थोड़ा भी लेट किया ना, तो ये जो शक्कर है ना, ये पिघल करके फिर से शक्कर बन जाती है। इसीलिए टाइम का बहुत ध्यान रखना है। और आप देखिए, अभी आपको ये लग रहा है गीला, लेकिन सिर्फ 1 मिनट में ही ये सूख करके पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा। बस इसे लगातार स्टर करते रहना है। और अच्छे रिजल्ट के लिए इन सारे जो तगार का पाउडर बन चुका है, इसे मिक्सचर ग्राइंडर में एक बार ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि एकदम से बारीक और मुंह में घुल जाने वाली बन जाती है। और अगर आपको लगता है कि तगार जो है वो कढ़ाई से चिपक गया है, तो इसे धीमी आंच पर सिर्फ 1 मिनट के लिए गर्म कर लीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे ना, ये फटाक से कढ़ाई छोड़ना शुरू कर देता है। ये जो चीनी पिघली हुई पाउडर है, इसे हमने एक बार ग्राइंड कर लेना है। जो हलवाई होते हैं, वो बेसन के लड्डू, बर्फ़ी और जो दूध के पेड़े बनते हैं, शक्कर की जगह इसी तगार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो मुंह में डालते ही घुल जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो ना, तो एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।